एपेक्स लेवल के लोग हैं वो पैसा बनाने के लिए नहीं, आइडियोलॉजिकल फिल्टरिंग के लिए यूज करेंगे। सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है वो कुछ भी कर सकता है और बाहर किसी के आदमी को पता नहीं चलेगा। सोशल मीडिया बनाया ही इसलिए गया है कि वॉच आसानी से किया जा सके। संगठन शासन कर रहा है वो क्या करेगा कि सोशल मीडिया के थ्रू या दूसरे तरीके के थ्रू प्रोफाइलिंग कर लेगा कि इस आदमी की विचारधारा क्या है, ये हमको सूट करेगा या नहीं। नमस्कार दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं विक्रम, हमारे साथ हैं इंजीनियर राहुल मेहता जी। आज बात करेंगे देश भर में जो पेपर लीक के मामले सामने आए हैं, और पिछले 4 सालों की अगर रिपोर्ट देखें तो तकरीबन 5 सालों में 18 पेपर लीक हुए हैं, और इसमें जो लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, जो कैंडिडेट थे, उनकी संख्या करोड़ों में है। तो उनका भविष्य अंधकार में लटका, बार बार वो परेशान हो रहे हैं। और इन पेपर लीक की वजह क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है और ये सब क्यों किया जा रहा है, राहुल भाई बताएंगे। उनके पास अच्छी खासी रिपोर्ट है। राहुल भाई जरा बताएं क्या हो सकता है, क्या सॉल्यूशन है। देखो, पेपर में जो लीक है वो इस तरह से है कि बड़े लोग जो है जी वो अपने आदमियों को पेपर देना चाहते हैं ताकि वो रिक्रूट हो जाए। इसलिए उन्होंने जानबूझ के सिस्टम ऐसा बनाया है जो कि लीकी हो, लीकी यानी कि आसानी से उसमें धांधली हो सके। उसका अच्छा जो छोटे और मिडल लेवल के लोग हैं वो भी फायदा उठा लेते हैं, जो बड़े लोग हैं अच्छा वो नहीं चाहते हैं कि छोटे लोग और मिडल लोग फायदा उठाए। जैसे कि मान लो 2000 सीट खाली है तो ऊपर के लोगों को अपने 500 1000 आदमियों को उसमें बिठा देना है। इसलिए वो जानबूझ के उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया है कि जिसमें से धांधली हो सके, और उसका मिडल और लोअर लेवल के लोग है वो भी फायदा उठा लेते हैं, और उसकी वजह से पेपर कभी कभी पूरा पब्लिक में आ जाता है तो फिर एग्जाम कैंसिल करनी पड़ती है। अच्छा का ये जो इसके पीछे षड्यंत्र चल रहा है वो ज्यादा भयानक कि पेपर धांधली के, पेपर टूटने की जो ये पेपर लीक होने की धांधली के नाम पे एपेक्स जो है इसमें बड़ी धांधली होगी। कौन सी धांधली? कि मान लो यदि मैं पूरे टेस्ट का मंत्री हूं, इंचार्ज हूं या तो डायरेक्टर हूं, तो और आपने एग्जाम दिया और मेरे किसी जान पहचान के आदमी ने एग्जाम दिया, आपके 100 में से 50 प्रश्न आपने सही जवाब दिया, तो मैं आपके 50 के 45 नहीं करूंगा, अच्छा 50 भी नहीं करूंगा, आपके 50 के 50 ही रहने दूंगा। पर मुझे जिस आदमी को नौकरी दिलानी है उसके मैं 30 के 60 कर दूंगा। अच्छा जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है वो कुछ भी कर सकता है और बाहर किसी के आदमी को पता नहीं चलेगा, अंदर के आदमी, बाहर का आदमी सिस्टम को हैक नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से जब सारे टेस्ट कंप्यूटराइज हो जाएंगे तो इसका जो एपेक्स लेवल के लोग हैं वो पैसा बनाने के लिए नहीं, आइडियोलॉजिकल फिल्टरिंग के लिए यूज करेंगे। मतलब कि ऊपर जो संगठन शासन कर रहा है वो क्या करेगा कि सोशल मीडिया के थ्रू या दूसरे तरीके के थ्रू प्रोफाइलिंग कर लेगा कि इस आदमी की विचारधारा क्या है, ये हमको सूट करेगा या नहीं। और यदि ये सूट नहीं करेगा तो उसके नंबर कम नहीं करेंगे। पर ऐसे लोग जो कि उनकी विचारधारा को, उनके प्लान को, उनके शासन करने के तरीकों को सूट करते हैं उनके नंबर वो बढ़ा देंगे। और ये धांधली है वो कभी बाहर पब्लिक में नहीं जाएगी। जैसे वीवीपैट यदि किसी के वोट बदल देता है तो बाहर के आदमी कभी पता ही नहीं लगा पाएंगे कि किसके वोट कहाँ गए। तो इस तरह से जो कंप्यूटराइज टेस्ट होने वाली है वो ज्यादा खतरनाक। अच्छा ऐसे में कुछ साल पहले मैंने खबर सुनी थी कि सोशल मीडिया को वॉच किया जा रहा है, तो ये उसी का एक पहलू है, उसी का दूसरा स्टेप है ये। हाँ, सोशल मीडिया वॉच किया जा रहा है, नहीं, सोशल मीडिया बनाया ही इसलिए गया है कि वॉच आसानी से किया जा सके। अच्छा जितनी कंपनियां हैं, जैसे व्हाट्सएप है, वो घाटा कर रही है, 1 रुपया नहीं ले रही, और सबको वीडियो मैसेज कर फ्री में भेज सकते हो, मैसेज फ्री में भेज सकते हो, क्योंकि व्हाट्सएप पे जो भी मैसेज आप भेजते हैं, मैं भेजता हूँ, उसकी कॉपी CIA के पास जाती है। अच्छा इसी तरह से फेसबुक है, ये बहुत बड़ा लॉस मेकिंग है, ऊपर से प्रॉफिट कर रहा है, पर वास्तव में इसको जो सर्वर का खर्चा आ रहा है, बिजली का खर्चा आ रहा है, वो इतना ज्यादा है कि वो बड़े पैमाने पे लॉस कर रहा है। फिर भी वो इस लॉस को क्यों खाए जा रहा है? ताकि इससे एक एक आदमी के बारे में जानकारी ली जा सके। और उसका नेक्स्ट स्टेप यही है कि जो 1 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं तो सोशल मीडिया से इनका डेटा आ जाएगा कि कौन आदमी जो रूलिंग क्लास है उसको अनुकूल करता है, उसके फेवर में है, तो उस आदमी के नंबर बढ़ा दो।
जो फेवर में नहीं है उसके नंबर कम नहीं किए जाएंगे, उसके 50 के 50 ही रहेंगे, लेकिन जो फेवर कर रहा है उसके यदि 45 नंबर आ रहे हैं तो जो सिस्टम है अंदर का वो उसका नंबर 55। तो सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग से भी आगे जाके, पर ये जब तक कागज पे टेस्ट है, जब तक रिटर्न टेस्ट है, तब तक ये धांधली करना मुश्किल है, क्योंकि कागज को कैसे बदले। अच्छा, तो जानबूझकर ये सारे पेपर लीक के मामले किए जा रहे हैं सर, ये आप कहना चाह रहे हैं? वो अपने आप हो रहे हैं, जो बीच के लोग है वो इनकॉम्पिटेंट है। इनकॉम्पिटेंट यानी कि वो ऐसी सिस्टम डिजाइन नहीं कर पा रहे, बना नहीं पा रहे कि जिससे कि लीक रुक पाए। और ऊपर के लोग है वो करप्ट है, वो चाहते हैं कि पेपर लीक हो जाए, उनके आदमी सिलेक्ट होके अंदर आ जाए, और इसलिए फिर पूरी सिस्टम का उपाय नहीं निकल रहा। इसके उपाय है, ऐसा नहीं है कि भारत में बिना लीक किए एग्जाम नहीं हो सकते, हो सकते हैं, लेकिन जो जो मिडल है और टॉप है वो ये करना नहीं चाहता, क्योंकि उनको अपने आदमियों को गवर्नमेंट की पोजिशन पे नौकरियां देनी। कैसे रुक सकते हैं ये सब, कैसे एक सही सॉल्यूशन हो सकता है? ये रुकना संभव है, थोड़ा महंगा पड़ेगा, पर जो कॉस्ट है वो इतनी मिल, जैसे कि मान लो कि 1000 पोजीशन खाली है, अच्छा, 10 लाख लोगों ने अप्लाई किया, तो टेस्ट को 2 या 3 लेवल में कर दो। मतलब पहला जो लेवल होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, तो यदि क्वालिफाइंग लेवल है तो उसके लिए लीक होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि आदमी देखेगा कि भाई मैं 5 लाख दे के करूंगा क्या, मुझे दूसरे राउंड में बैठने का मौका मिल रहा है, और उस राउंड में मतलब 1000 सीट खाली है तो 20,000 होंगे। अब सेकंड राउंड में क्या किया जा सकता है कि जो लोग फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट हुए, जो 20,000 लोग, मान लो 1000 लोगों को रिक्रूट करना है, तो जो उनको आने जाने का और 1 दिन होटल में, 2 दिन होटल में रुकने का पैसा दिया, तो मान लो पूरे राज्य में एक ही टेस्टिंग सेंटर होगा, जैसे गुजरात है तो सिर्फ गांधीनगर में सेकंड टेस्ट का टेस्टिंग सेंटर होगा, यूपी है तो सिर्फ इलाहाबाद में होगा या लखनऊ में होगा, इस तरह से एक ही जगह पे टेस्टिंग सेंटर होगा, और वहां पे 2000 लोगों की एक ही बिल्डिंग में बैठने का इंतजाम होगा, और प्रिंटर वहीं पे होगा। देखो मोस्टली मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एग्जामिनेशन हॉल में ही प्रिंटर होना चाहिए, तो वहीं पे पेपर है वो प्रिंट होगा, यानी कि प्रिंट मतलब एग्जामिनेशन मान लो 10 बजे शुरू हो रहा है, तो हर एक विद्यार्थी 9:45 को अपने टेबल पे आ गया, उसके बाद ही पेपर का प्रिंटिंग शुरू होगा। और दो बड़े प्रिंटर आजकल सस्ते हो गए, मतलब मान लो 16 पेज का पेपर है या तो 32 पेज का भी पेपर हो, तो मतलब 2000 पेज छापने हैं, 2000 पेपर छापने हैं, तो जो बड़े प्रिंटर होते हैं वो 15 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन पेपर छाप के दे देंगे। तो इस तरह से जो 4-5 लोग हैं जिन्होंने क्वेश्चन पेपर बनाया है, सिर्फ पेपर उनके पास ही रहेगा, और वो आखिरी मोमेंट पे प्रिंटर पे जाएगा, और उसके बाद लीक होने की संभावना खत्म होगी, क्योंकि अब 15 मिनट में तो छप के विद्यार्थी के टेबल पे आ गया। और विद्यार्थी है उसमें कहीं भी कंप्यूटराइज टेस्ट नहीं होना चाहिए, वो कागज पे लिखेगा, और लिखने के बाद टेस्टिंग सेंटर में जैसे ही उसका पेपर खत्म होता है वहीं पे उसको जेरोक्स करके उसको रिटर्न कर दिया जाएगा, जेरोक्स कॉपी उसको दे दी जाए, और उसने जो एग्जाम का पेपर दिया है वो उसी वक्त स्कैन होके इंटरनेट पे आ जाए। इतनी ट्रांसपेरेंसी अगर सर आप बात कर रहे हैं, ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि सेकंड राउंड में मान लो 10 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो 10 लाख लोगों के साथ ये संभव नहीं है, लेकिन पहला जो एग्जाम होगा उसको सिर्फ क्वालिफाइंग किया जाए, कि मान लो 1000 सीट है, 1000 वैकेंसी है, तो 10 लाख में से पहले राउंड में सिर्फ 20,000 लोग आएंगे सिलेक्ट होंगे, और 20,000 लोग एक ही कैंपस के अंदर एग्जाम देंगे, और उनके जो पेपर है वो उसी वक्त जेरोक्स करके उनको जेरोक्स कॉपी दे दी जाएगी, और उसी वक्त स्कैन होके वो इंटरनेट पे भी आ जाएगा, और उसके बाद उसको फिर मॉडिफाई करना संभव नहीं है। तो इससे दिखेगा कि भाई जो सचमुच रिक्रूटमेंट सिलेक्शन पेपर का जो चेकिंग हुआ है वो ठीक से हुआ या नहीं। अच्छा, तो टेस्टिंग सिस्टम आ जाती है तो उसके बाद धांधली खत्म हो जाएगी। अगर सर एक सवाल और, आपने बीच में कहा कि अपने लोगों को, अपनी विचारधारा के लोगों को भर्ती करना चाहते हैं सरकार, हर 5 साल में 10 साल में सरकार तो चेंज होती है, फिर क्या अगली सरकार भी यही कदम उठाएगी? जो सरकार के जो चेहरे हैं वो बदल रहे हैं, अंदर से कोई सरकार बदल नहीं रही अभी। जितने भी बड़ी पार्टियां हैं
वो एक ही भारतीय या अमरीकी धनिकों के एजेंट है। अच्छा, और सिर्फ बाकी 19 पीस का फर्क है उनमें। और हर एक सरकार तो ये मान के ही चलती है कि हमारा शासन 50 साल तक रहेगा, वो सही हो या गलत, वो इस मानसिक साथ के साथ ही चलती है जी। कि हर एक पार्टी ये मानसिकता से ही चल रही है कि मेरा शासन है वो 50 साल तक रहेगा। तो वो, और मान लो कि 5 साल के बाद मौका दूसरे के हाथ में चला जाए तो भी अभी उसके पास मौका है तो वो क्यों छोड़े, ये भी मानसिकता उनकी रहती है कि जैसे गलत कानून बना के फायदा निकालवाना हो तो ये देखते ही नहीं है कि 5 साल के बाद हो सकता है किसी और के हाथ में चला जाएगा तो वो हमारा नुकसान करेगा। वो ये सोचेगा कि आज तो मुझे फायदा हो रहा है ना, आज जितना फायदा हो रहा है ले लो। तो कॉम्पिटेटिव टेस्ट में उनको बहुत बड़ा फायदा दिख रहा है कि इससे उनके आदमियों को एग्जामिनेशन में रिक्रूट कराने का काम आसान होता है जी। हमें कॉम्पिटेटिव टेस्ट नहीं आने देना चाहिए, सिस्टम यही होना चाहिए कि विद्यार्थी है वो पेपर पे पूरे आंसर लिखेगा और जो भी उसने आंसर लिखे वो एग्जामिनेशन के बाद उसको जेरोक्स उसका उसको मिल जाएगा और उसने जो एग्जाम लिखा वो उसी दिन उसी मतलब 1 घंटे के अंदर वो पूरा का पूरा पेपर स्कैन होके नेट पे आ जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, अब आपने कहा कि प्रोफाइल भी चेक की जाती है, सोशल मीडिया इसीलिए बना है, तो क्या स्टूडेंट के लिए आपका कोई मैसेज है कि इस तरह के विचार अपने सोशल मीडिया पे शेयर ना करें जिससे उनके करियर पर थोड़ा नुकसान पहुंचे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि देखो भाई, व्यवस्था सुधारने के लिए प्रयत्न करने के लिए जो जरूरी है वो करो, बाकी इस तरह से आप बचते रहोगे दबते रहोगे तो इसका अंत नहीं आने वाला। जो लोग लॉकडाउन से डर के बोले नहीं उनको बाद में जबरदस्ती टीका खाना पड़ा, तो और लोगों ने बोला कि भाई मैं लॉकडाउन के खिलाफ बोलूंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा भाई तुम तीन हफ्ते की तो बात है, शुरुआत ये बात में मार्च 2020 की कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला सिर्फ 3 हफ्ते की बात है। मैंने कहा 3 हफ्ते की बात नहीं है, अभी आप लॉकडाउन के खिलाफ नहीं बोलोगे तो ये नाटक है वो 6 महीने तक चलेगा, और 6 महीने नहीं 2 साल तक चला जी जी। और जो बाद में सबको जबरदस्ती टीका खाने की नौबत आई, तो अभी तो मैं विद्यार्थियों को ये नहीं कहूंगा कि सोशल मीडिया पे चुप रहे, उनके मन की बात उनको रखनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो मेरे फेवर में बोले, मेरे खिलाफ भी बोल सकते, जो भी उनकी मन की बात है वो रखे, और वो इस बात की चिंता ना करे कि इसकी वजह से उनकी सरकारी नौकरी मिलने के चांस कम हो जाएंगे। लेकिन ये एक फैक्ट है कि सोशल मीडिया की प्रोफाइलिंग होती है। अब मैं यदि कहूंगा कि सोशल मीडिया के आधार पे नौकरी आने के या जाने के चांस बढ़ जाते हैं तो मेरे पे डिफेमेशन हो सकता है, इसलिए ये मैं नहीं बोलूंगा। और दूसरा एक इसलिए भी है कि इंटरव्यू खत्म कर देने चाहिए हर जगह। सबसे ज्यादा धांधली जितनी पेपर में होती है, पेपर की धांधली तो कम से कम हमें दिख जाती है, लेकिन उससे इतनी बड़ी धांधली इंटरव्यू में होती है जो कि दिखती नहीं है, क्योंकि ये पूरा अंदर का सौदा होता है और पूरा प्राइवेट सेक्टर तो सर इंटरव्यू पे ही डिपेंड है। हाँ, नहीं तो इंटरव्यू होने ही नहीं चाहिए। जब तक इंटरव्यू होंगे, पेपर की धांधली देखो क्या है कि आज सोशल मीडिया की वजह से छिपाना मुश्किल हो गया। ऐसा नहीं है कि पेपर पहले लीक नहीं होते थे, पहले भी लीक होते थे, लेकिन आजकल ये व्हाट्सएप और इसकी वजह से जिस आदमी के हाथ में पेपर आता है वो फटाफट दूसरों को बेचना शुरू कर देता है। पहले उसके लिए बेचना भी मुश्किल था, अब वो फटाफट बेचना शुरू कर देता है, इसलिए अब उसके एक्सपोज होने के चांस बढ़ गए। लेकिन इंटरव्यू में हमेशा धांधली है, वो पेपर के बिजनेस से 10 गुनी बढ़ी रही है और वो दिखी नहीं क्योंकि वो अंदर ही रहती है। तो इंटरव्यू चाइना में इंटरव्यू होते ही नहीं है। चाइना में तहसीलदार का, कलेक्टर का, टीचर का जो रिक्रूटमेंट होता है जिसको इनिशियल रिक्रूटमेंट बोलते हैं किसी भी पोजिशन पे, तो वहां पे कोई इंटरव्यू नहीं होता, और जो इंटरव्यू होते हैं वो पूरे रेंडमाइज फैशन पे होते हैं, और उससे सिर्फ 19-20 का ही फर्क आता है कि भाई ये आदमी तहसीलदार बनेगा या मजिस्ट्रेट बनेगा। वरना मान लो कि 2000 वैकेंसी है तो रिटर्न टेस्ट में से सिर्फ 2000 लोग ही पास होते। अब इंटरव्यू सिर्फ इतना ही तय करेगा कि आदमी तहसीलदार बनेगा और मजिस्ट्रेट बनेगा, और इंटरव्यू पूरा रेंडमाइज फैशन में होता है कि इंटरव्यू लेने वाले को आखिरी मिनट तक पता नहीं होता कि वो किसका इंटरव्यू लेने वाले, इंटरव्यू देने वाले को पता नहीं लगता कि उसका इंटरव्यू कौन लेता है। और जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनको इंटरव्यू लेने के उसी वक्त उनका मार्क दे देना पड़ता है, वो बाद में नहीं दे सकते। तो ये भी भारत में देखो धांधली कैसी कितनी की, एग्जामिनेशन होने के बाद एक एक साल तक रिजल्ट नहीं होता। तो ऐसा लगता है कि भाई पेपर चेक करने में 1 साल का टाइम लगे,
ये तो उनको धांधली करनी होती, इसलिए एक साल का बीच में गैप डालना पड़ता है। तो सही ये, हाँ, तो ये जो मेरा प्रपोजल है कि भाई टू लेवल सिस्टम कर दिया जाए और सेकंड लेवल पे उसी वक्त पेपर नेट पे आ जाए और वो एक दिन में दो दिन के अंदर वो हर एक पेपर का नंबर आ जाए, उसके बाद ही धांधलियां रुकी। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भाई, आपने सॉल्यूशन भी बताया और ये सब क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है ये सब भी बताया। बहुत सोचने और समझने की जरूरत है, राहुल भाई की बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। किसी और एपिसोड में राहुल भाई से मुलाकात कराएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।